मौजूद है जिन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे से पहले उनको निकाल के लाएंगे, और ये रेड माइनर्स और ये जो हाथों से खुदाई करके अंदर पहुंचे हैं, सबसे पहले किस तरह का रिएक्शन था जैसे ही आप अंदर पहुंचे? जैसे हम अंदर पहुंचे वो लोग देखते के साथ ही हमें खुश हो गए और उनसे ज्यादा हम खुश हो गए। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। नाम क्या है? फिरोज कुरैशी। अच्छा फिरोज, कितना टफ था अंदर काम करना और अब उनकी हालत कैसी है? हालत तो एकदम फिट है वो, एकदम बेहतरीन, किसी को कुछ भी नहीं है, खाना पीना एकदम उनके पास स्टॉक रखा था। अभी सेहत तो तुम्हारी भी ठीक लग रही है और बिल्कुल तंदुरुस्त? ऐसे ही वो हैं सर। ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा, क्या खुशी थी उनके बेचारे में जैसी आपको देखा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी थे, बहुत ज्यादा। अच्छा आप क्या कहेंगे, आप भी अंदर काम करेंगे? हाँ ये भी अंदर। चलिए कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है? देवेंद्र। देवेंद्र कहाँ से आए? जिला बुलंदशहर से। अच्छा, कितना मुश्किल था और इस काम को करके कितनी खुशी? आप पे बहुत नजरें थी कि आखिरी वो क्षण थे जिसको करना आपने था। बढ़िया करा था हमने, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, बढ़िया तरीका से उनके दौरे पहुंचे हैं। उन्हें पहुंचते ही उन्होंने ना बहुत खुशी मनाई, हमारे से गले मिले, बहुत उन्होंने बादाम बादाम भी खिलाए हैं। अच्छा बादाम भी खिलाया। आप हीरो बन चुके हो, आप ही की वजह से वो लोग आए, बहुत सबने मेहनत करी है, लेकिन जो आखिरी क्षण थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। कैसा लग रहा है और किस तरीके से लग रहा है? कठिन कितना था वहाँ पे? कटिंग 1500, 15 मीटर। 15 मीटर? हाँ जी। ज्यादा था? नहीं ज्यादा नहीं था। अच्छा, अंदर जो मिले जो लोग थे वो 41 लोग, वो आप लोगों को देखकर, आपकी जो टीम है पूरी, उन्होंने को देख के खुश हो गए थे सर, वो हमें देख के खुश हो गए थे, हम उन्होंने को देख के खुश हो गए थे। आपने बताया कि बहुत बड़ा काम किया, आपको लग रहा है? जी, पूरा पूरा देश आपके लिए वो कर रहा है कि आपने बहुत बड़ा काम किया। जी 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 सर। आपका सर नाम? सर मेरा नाम वकील हसन है। आप इनके? और मैं टीम लीडर हूँ सर इनका। टीम लीडर है? यस सर। ये लोग कहाँ से आए और क्योंकि आज कैसे ये लोग आगे गए हैं उन्हें निकालने के लिए? लेकिन एक चीज बहुत कमाल की, हमारे अंदर भी तो जज्बा ऐसा था कि उन्हें निकाल के लेके आना ही है। ये हमारे लिए एक तरह अपॉर्चुनिटी क्या, ये लाइफ में एक चांस था हमारे लिए और ये किसी किसी को मिल पाता सर। मैंने जब इनसे शुरू में बात करी थी तो उन्होंने वादा किया था कि अब हम आ गए, जब हम तभी बाहर निकलेंगे जब उनको लेके आएंगे। बिल्कुल सर, हमने है ना ये कर लिया था अपहरण की 24 घंटे हमें नॉन स्टॉप काम करना है और उन्हें लेके बाहर आना है, और ये 24 घंटे काम किया हमने। अच्छा, इनको देख के लग नहीं रहा है कि ये थके हैं, ये इनको लग रहा है कि अभी शायद और खुदाई भी कर दे कहीं? हाँ जी, हमने ये प्लानिंग से किया ना सर, चार लड़के एक बराबर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वो लोग हैं जिनके भरोसे पूरा देश था कि कम से कम वो जो आखिरी 20% रह गया उन पर ये आएंगे और खुदाई करके लाएंगे, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जिसपे सभी को लग रहा था कि वो 24 घंटे में होगा, लेकिन 24 घंटे से पहले काम कर दिया और ये अंदर पहुंचे। उनका रिएक्शन अलग था क्योंकि उन्होंने 17 दिन बाद कोई इंसान अंदर है उन 41 के अलावा।